भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले प्रदेश की महिलाओं को 4 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया था, सारे वादे हवा में उड़ गए। वैसे ही इस बार फिर जन ढकोसला पत्र बनाकर ठगने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी, पर छत्तीसगढ़ की जनता इस बार इनके झांसे में नहीं आने वाली। महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वह विपक्षी एकता के गुब्बारे फूटने का जीवंत उदाहरण है। देखिए, जैसे आपने बात कही कि छत्तीसगढ़ सरकार ये वादे करने वाली है, पिछले जन घोषणा पत्र में 4 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा था, हुआ पूरा? मैं कितने ऐसे घोषणाएं गिनाऊंगा जिस सरकार ने पूरे नहीं किए और फिर से ये छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में है, पर छत्तीसगढ़ की जनता इनके वादों पर नहीं आने वाली। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है ये बताता है कि विपक्षी एकता के कैसे गुब्बारे फूट रहे हैं, ये बताता है। कवासी लखमा जी मंत्री हैं, अपने सरकार की उपलब्धि, अपने सरकार के कामों की जानकारी दें, कितने वादे पूरे किए, शराबबंदी हो गया क्या, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ हो गए क्या, आज छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा इन्होंने कर रखी है उसके बात करें, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें।